And welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily current affairs of 2nd July 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first news. World Bank expands funding of $20 billion for coronavirus vaccine. तो कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए वर्ल्ड बैंक ने टोटल $20 billion लोन अप्रूव किया है, फंडिंग अप्रूव की है. सो इसमें एडिशनल $8 billion जो फंडिंग है ये प्रोवाइड की गई है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज है मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनके लिए. सो टोटल फाइनेंसिंग जो है वो $20 billion है. और इसके पहले वर्ल्ड बैंक ने $12 billion फंडिंग अवेलेबल कराई थी कोरोना वैक्सीन के लिए. सो दिस फंडिंग विल बी इन्वेस्टेड ओवर द नेक्स्ट 18 मंथ्स टिल 2022 एंड. तो 2022 के एंड तक मतलब इस साल के एंड तक मतलब ओवर नेक्स्ट और नेक्स्ट 18 मंथ्स में ये फंडिंग अवेलेबल कराई जाएगी. तो इसके अलावा बैंक ने भी ऑफर की है $4 billion फॉर परचेस एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ कोविड वैक्सीन फॉर 51 डेवलपिंग कंट्रीज. और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है इन Washington DC. इंडोनेशिया ओपन में वुमेन्स डबल टाइटल्स में मसायुत्सुमा नामी शीदा चिहारू ये दोनों वुमेन प्लेयर्स जो है इन्होंने ये टाइटल जीता है इंडोनेशियन वुमेन्स डबल टाइटल्स. तो इसमें मेंस सिंगल्स में विक्टर एक्सेलसन फ्रॉम डेनमार्क जो है मतलब जो डेनमार्क से है विक्टर एक्सेलसन इन्होंने ये टाइटल जीता है मेंस सिंगल्स का. और वुमेन सिंगल्स में से ताई ज़ियू यिंग ऑफ चाइना ताइपेई जो है ये चाइना में है. तो इन्होंने ये वुमेन सिंगल्स टाइटल जीता है इंडोनेशियन ओपन टूर्नामेंट का. देन दूसरी तरफ लियू चेन और यू जुआन ही इन्होंने डिफीट किया है कोरिया के चोई और किम को इन 2 गेम्स. तो मेंस डबल्स में लियू चेन और यू ई ये विनर रहे हैं. देन सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ₹7 करोड़ की पेनल्टी इम्पोज की है. तो ये जो मार्केट रेगुलेटर है जो कैपिटल मार्केट में डील करते हैं मतलब जो रेगुलेटिंग एजेंसी है से भी दैट इज सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन्होंने ये ₹7 करोड़ की पेनल्टी इम्पोज की है. और ₹5 करोड़ की पेनल्टी इम्पोज की है फॉर्मर MD एंड CEO चित्रा रामकृष्णन इनके ऊपर. सो ये पेनल्टी जो है ये लगाई गई है 2015 में जो डार्क फाइबर केस हुआ था इस पर इन्होंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ये पेनल्टी इम्पोज की है. तो डार्क फाइबर का मतलब होता है जो हमारा सर्वर होता है इंटरनेट सर्वर, तो उसी से रिलेटेड ये डार्क फाइबर है. मतलब कि अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जब ट्रेडिंग होती है तब घूस लेकर मतलब ब्राइब लेकर कुछ ऐसे लोगों को वो ट्रेडिंग एक्सेस कराई जाती है, मतलब जो नेट के थ्रू जो एक्सेस होते हैं ट्रेडिंग वो एक्सेस उनको दिया जाता है. मतलब सबसे पहले आप लोग ट्रेडिंग करो यहाँ पर, ऐसे ये डार्क फाइबर होता है. तो डार्क फाइबर जो होता है वो लो कॉस्ट में अवेलेबल होता है और बाहर के जो लोग हैं वो भी को लोकेशन होकर इसमें एक्सेस कर सकते. तो टू गेट फास्टर कनेक्टिविटी ये डार्क फाइबर यहाँ पर इम्पोज किया गया था, इसलिए ये 7 करोड़ की पेनल्टी NSE पर लगाई गई. और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड का एक्ट है 1992, सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में और सेबी की फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन है माधवी पुरी ब्यूच जो कि प्रेजेंट चेयरमैन है सेबी की, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की. देन
बीएसई ने मैकिया के साथ पार्टनरशिप करके एक अवेयरनेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो है SME लिस्टिंग अक्रॉस महाराष्ट्र। सो इसमें लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज जो है दैट इज़ बीएसई, तो इन्होंने पार्टनरशिप की है। मैकिया स्टैंड्स फॉर महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये अवेयरनेस क्रिएट करेगा, इसके साथ साथ प्रमोट भी करेगा क्या, तो SME प्लेटफॉर्म पर जो लिस्टिंग होती है उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं इस बारे में ये अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। तो इस डील के थ्रू जो बीएसई है ये इंटेलेक्चुअल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे एंटरप्राइजेस को, और इसमें SME प्लेटफॉर्म पर जो भी लिस्टिंग होती है इसके बारे में अवेयरनेस भी क्रिएट करेंगे और साथ ही साथ सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए ये बीएसई के साथ मैकिया ने पार्टनरशिप की है। देन आरबीआई ने कार्ड टोकनाइजेशन की जो डेडलाइन है वो बढ़ा दी है, और ये बढ़ाकर कर दी है September 30, 2022। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये टोकनाइजेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स की जो डेडलाइन है ये एक्सटेंड की है बाय 3 मंथ्स, दैट इज़ फ्रॉम June 30, मतलब 30th June ये लास्ट डेट थी लेकिन वो एक्सटेंड होकर अब 30th September की गई है। तो कार्ड टोकनाइजेशन का मीनिंग ये होता है कि जब हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन करते, पेमेंट करते, तब हमें हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वहाँ पर डालनी पड़ती है OTP जनरेट करने के लिए। तो उसमें जब टोकनाइजेशन यूज़ किया जाता है वर्ड, तो टोकनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मैं अपना पासवर्ड डाल रही हूँ, तो वहाँ पर पासवर्ड डालते वक्त जैसे ही मैं कुछ डालूँगी, वन मैंने अगर प्रेस किया, वन क्लिक किया, तो वहाँ पर वन ना आके वहाँ पर डॉट आएगा, फिर मैं यूज़ करूँगी टू, वन के बाद टू की जगह वहाँ पर डॉट दिखाई देगा, मतलब वो जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो किसी भी थर्ड पार्टी को या हमें भी दिखाई नहीं देगी, वो सिर्फ और सिर्फ डॉट नज़र आएगा, मतलब डिजिट्स की जगह वहाँ पर टोकन नज़र आएगा, दैट इज़ कार्ड टोकनाइजेशन। तो ये जो RBI ने मैंडेट की है एंटिटीज़ को अदर दैन कार्ड नेटवर्क्स एंड कार्ड इशूअर्स टू नॉट स्टोर डेबिट और क्रेडिट डेटा विद देम, मतलब RBI ने ये अलाउ नहीं किया है जो भी क्रेडिट और डेबिट कार्ड का जो सेंसिटिव डेटा होता है वो हम सेव नहीं करके रख सकते उसमें। देन RBI also issued a framework for CUF tokenization services। तो ये है अबाउट कार्ड टोकनाइजेशन। Now let's see, बजाज अलायंस जो है इन्होंने ग्लोबल हेल्थ केयर इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। तो ये जो बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस है इन्होंने जो ये ग्लोबल हेल्थ केयर लॉन्च किया है, तो इसका एम ये है कि हेल्थ इंडेमनिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना। जो क्या प्रोवाइड करेंगे, कवर पॉलिसी होल्डर के लिए एक प्लान कवर ये लोग प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ इंडिया और अब्रॉड में इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी ये अवेलेबल कराएंगे इस कवर के थ्रू। तो ये ऐसा इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। और रही बात बजाज अलायंस की, तो इसका हेडक्वार्टर है इन पूना। देन फ्लिपकार्ट ने एक शॉपसी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये शॉपसी प्लेटफॉर्म देखिए क्या होता है, जैसे अमेजोन पर एक प्लेटफॉर्म अवेल कराया गया था कि अमेजोन पर आप अगर अकाउंट ओपन करते हैं, जिसमें ये था कि आप अमेजोन के थ्रू भी सेलिंग कर सकते हैं, तो उसी की तरह फ्लिपकार्ट ने भी ये शॉपसी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसमें सेलर्स फ्लिपकार्ट्स के जो प्रोडक्ट्स के कैटलॉग्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया पर शेयर करके वो सेलिंग कर सकते हैं, और जब सेलिंग हो जाएगी तो उसमें फ्लिपकार्ट उनको कमीशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें जो ओवर 25 मिलियन ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स है ये ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करेंगे बाय 2023। और इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट सेलर को नहीं करना पड़ेगा। सो ऐसा ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रहेगा जो थर्ड पार्टी चैनल्स के लिए भी अवेल रहेगा, सो दैट दिस यूजर स्पेंड टाइम एंड ट्रस्ट।
शॉप्सी के जो यूज़र्स रहेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, कैटलॉग शेयर कर पाएंगे, तो इसमें 15 करोड़ प्रोडक्ट्स से विद पोटेंशियल कस्टमर्स वाया सोशल मीडिया एंड मैसेजिंग एप्स से भी आप सेलिंग कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट शॉप्सी प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय फ्लिपकार्ट। सो इफ़ यू टॉक अबाउट हेडक्वार्टर्स ऑफ फ्लिपकार्ट, सो इट इज़ इन बेंगलुरु कर्नाटका, और फ्लिपकार्ट के सीईओ है कल्याण कृष्णमूर्ति। देन आईसीआईसीआई बैंक ने सल्यूट डॉक्टर्स ये बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो सल्यूट डॉक्टर्स ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है सो दैट COVID-19 में जो डॉक्टर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है अपनी जान की परवाह करे बिना, तो इनको अपने इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इनके लिए बैंकिंग सॉल्यूशन सल्यूट डॉक्टर्स ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसमें जो स्टूडेंट्स डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए उनका जो भी मेडिकल एजुकेशन है, एजुकेशन से लेकर उनकी पूरी प्रोफेशनल जर्नी में, मतलब बिगिनिंग फ्रॉम अ मेडिकल स्टूडेंट टू अ सीनियर मेडिकल कंसल्टेंट टू एन ओनर ऑफ एन हॉस्पिटल और अ क्लिनिक, ये पूरी जर्नी तक ये जो बैंकिंग सॉल्यूशन दैट इज सली डॉक्टर्स है ये इनको सपोर्ट करेगा। इट इज़ पावर्ड बाय ICICI स्टैक व्हिच इज़ अ डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म। तो ये डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है ICICI स्टैक, जो कि ICICI बैंक का है। सो इसमें अराउंड 500 सर्विसेज जो है विल हेल्प आउट कस्टमर्स ऑफ द बैंक टू अवेल द सर्विसेज डिजिटली एंड सीमलेसली। रही बात ICICI बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। ICICI बैंक के MD एंड CEO है संदीप बख्शी। देन आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने YSR बीमा स्कीम लॉन्च की है। तो ये YSR बीमा स्कीम में जनीव गाइडलाइंस है, इनमें गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली इन्हें इंश्योरेंस अमाउंट पे करेंगे। किसे? तो जो डिसीज्ड फैमिली मेंबर है, जो डिसीज्ड पर्सन है उसकी फैमिली को ये डायरेक्टली इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। सो इसमें इन्हें फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए ये 1.32 लाख फैमिलीज को जो YSR बीमा स्कीम स्टेट गवर्नमेंट अलोकेट करने जा रहे हैं ₹750 करोड़ फॉर द ईयर 2021 to 2022। मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है अराउंड ₹750 करोड़। सो चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश के वाई जगनमोहन रेड्डी। देन गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। HDFC बैंक लॉन्च्ड सलाम दिल से इनिशिएटिव। तो ये सलाम दिल से इनिशिएटिव जो है ये भी डॉक्टर्स को ग्रैटिट्यूड देने के लिए ये सलाम दिल से इनिशिएटिव लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। जो पहले का था ICICI बैंक ने जो लॉन्च किया था वो था सल्यूट डॉक्टर्स, और ये HDFC बैंक ने जो किया है ये है सलाम दिल से इनिशिएटिव। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एग्ज़ाम में अगर पूछा गया तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि सलाम दिल से ICICI बैंक का लगा दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। सलाम दिल से HDFC बैंक ने लगाया है और सल्यूट डॉक्टर्स ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। तो इसमें इनको इंकरेज किया जाएगा डॉक्टर्स को फॉर ब्रेवली फाइटिंग द पैंडेमिक एट द रिस्क ऑफ देयर ओन लाइव्स। सो इसमें बैंक ने एक वेब प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, दैट इज़ www.salamdilse.com, जहाँ पर कस्टमर्स लॉग इन करके ईमेल के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए डॉक्टर्स को थैंक यू का मैसेज सेंड कर सकते हैं। सो HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है इन मुंबई, और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। So before ending this session, I would like to make an announcement here. We are going to start MBA CET course for Target Batch 2023, which is useful for CAT, ZAT, IIFT, NMAT, SNAP, TEES and CMAT from coming 17th of July 2022. So those who want to join this course, please go through the link which is given in the description box given below. So that's all for today. Thank you.